हेलो एवरीवन। तो आज मेरा जो एग्ज़ाम था वो शिफ्ट टू में था। आई नो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था, तो मैं शायद 7 साढ़े 7 बजे तक मैं घर आ पाई हूँ। तो इसी वजह से मेरा जो एनालिसिस है या खुद के मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं ये सब, मेरा बहुत लेट हो गया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आप आए हैं ये वीडियो देखने। बाकी हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ है, सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, टफ शिफ्ट कौन सी थी और आपका कैसा गया है। तो ये सब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन में आया क्या क्या था। तो यही मेरा जो था शिफ्ट टू था, पहला रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए पहला आया था पज़ल। पज़ल जो था फोर फ्लैट और फ्लोर वाला था, जिसमें कि 4:1 का मतलब 8 पीपल थे और उसके साथ एक वेरिएबल था। आई थिंक उनको सब्जेक्ट कुछ पसंद था, ऐसा एस्ट्रोनॉमी बायोलॉजी ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने ये वाला पज़ल स्किप किया था, मुझे ये बहुत लेंदी लग रहा था। देन उसके बाद सेकेंड था 10 बॉक्स बेस, मतलब 10 बॉक्स थे और उनको लगा सेट करना था। इसमें कोई वेरिएबल नहीं था। इसका आंसर जो बन रहा था मेरा, जितना मुझे याद है, ये था बी टॉप पे था और एच बॉटम पे था। आप लोगों का क्या आया है तो आप प्लीज़ बताइए, तो एटलीस्ट रीचेक हो जाएगा। थर्ड आया था ईयर बेस्ड पज़ल आया था, उसमें ऐसा 1959 1969 करके ईयर्स दिए हुए थे और 8 पीपल उसमें बिठाने थे। और एक था पैरेलल रो, जिसमें कि 6 6 लोग यानी कि 12 लोग बैठे हुए थे। तो इट वाज आल्सो इजी। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी था फ्लैट फ्लोर वाला। इट वाज वे टू ट्रिकी, मतलब वो पढ़ने पे ही समझ में आ रहा था कि बहुत लंबा है, तो मैंने स्किप कर दिया था। आई जस्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो एक आया था अनसर्टेन वाला पेपर, मेरा यहीं से शुरू हुआ था। सबसे पहले मेरे पास अनसर्टेन पीपल वाला आया था। इसमें 16 पीपल वर देयर एंड ये सर्कल में थे, इन साइड फेसिंग थी इनकी एंड से लॉग्स आए थे। 3 to 4 questions थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इनइक्वालिटी 3 to 4 थी एंड ब्लड रिलेशन के 3 question थे। और जो वर्ड आता है आई थिंक वर्ड दिया हुआ था, उसमें पूछा था थर्ड फिफ्थ सेवन टेंथ अल्फ़ाबेट्स को लेके कौन सा वर्ड बन रहा है और उसका सेकेंड टू दी राइट में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा था आई और वर्ड बन रहा था जेल। आप लोगों का क्या है आप प्लीज़ बताइए। और इसके बाद न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर दिया होता है, उसमें इवन में 1 प्लस करना था, ऑड में 2 माइनस करने थे या वाइस वर्सा हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट देर वॉज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एंड एक क्वेश्चन था फ्राइटन, वर्ड दिया हुआ था। इसमें वही बताने थे कि कितने पेयर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल पेयर जो आते हैं, और इसके अलावा कुछ रह गया होगा तो आप प्लीज़ ऐड ऑन कर दीजिएगा, मुझे इतना ही याद आ रहा है अभी। एंड देन नेक्स्ट हम क्वांट सेक्शन पर चलते हैं। तो क्वांट में डीआई आई थी, ये क्वांट में जो डीआई आई थी ये रही। एक पाई चार्ट आया था परसेंटेज बेस, उसमें 6 स्कूल्स दिए हुए थे ए बी सी डी ऐसे करके, और उसमें जो बच्चे हैं वो गोल्फ खेल रहे थे ऐसा। तो इट वाज इजी डूएबल, इसके क्वेश्चन 3 4 लाइन में दिए हुए थे, बट इट वाज इजी, इसको मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट डी आई वॉज टेबल बेस, तो इसमें मेल फीमेल दिया हुआ था और मेल की डेटा दिया हुआ था और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ था। तो हमको निकालना था मेल के डेटा फीमेल के परसेंटेज से, मेल हमारा निकल रहा था और उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन था। तो इट वॉज थोड़ा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा डेटा बेस था ये, तो इट विल बी काइंड ऑफ मॉडरेट। एंड नेक्स्ट है केसलेट। तो केसलेट तो मुझे पता ही नहीं है कि किस थीम पे आया था। अगर आप में से किसी ने ये अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़ मुझे थीम बताइएगा, बाकी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि क्या था। आई थिंक जैसे ही वो आया था मैंने स्किप कर दिया था। ये अप्रॉक्सीमेशन के 5 question थे, काफ़ी ईजी थे। रॉन्ग नंबर ईजी टू मॉडरेट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 question थे जिसमें से 2 या 3 मैंने बना लिए थे और 2 मैंने छोड़ दिए थे। मुझे बहुत लेंदी लग रहा था कि टाइम जा रहा है, तो मैं आगे क्वेश्चन पे स्विच कर गया था मैंने। देन मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, मिसलेनियस से 10 12 question होंगे आई थिंक। तो पी एंड एल था, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं, बोटन स्ट्रीम था, एजिस थी, ट्रेन था, टाइम एंड वर्क था एंड डिजिट रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो ऐसा कुछ था। तो मुझे जो याद आ रहा है मैं आप आंसर बता देती हूँ। डी आई में एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एवरेज बताना था, उसका आंसर आ रहा था 230 आई थिंक, बी डी एफ ऐसे करके 3 दिए हुए थे, उसका आंसर था 230। एंड एक क्वेश्चन था
उसमें मेल और फीमेल वाले डीआई में एक क्वेश्चन था, उसका आंसर जो आ रहा था 25% था, 30/120 120 का 30 कितना परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन था वो। एंड एक सम रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें 90 आंसर आ रहा था, और एक सेंट्रल एंगल वाला क्वेश्चन था, तो जो पाई चार्ट था उसमें सेंट्रल एंगल था, उसका आंसर आ रहा था 57.6, दैट वाज 16 × 36, ये हमें करना था। एंड जो हमारी नंबर सीरीज़ थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़, उसमें जो पैटर्न था वो ऐसा था, 49 एक बार प्लस हो रहा था और 16 डिडक्ट हो रहा था, या फिर वाइस वर्सा था, 16 ऐड हो रहा था 14 माइनस। एंड एक पैटर्न था क्यूब प्लस 1, लाइक 3 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 1, ऐसे एक पैटर्न था। एक पैटर्न था 48, 56 एंड देन 64, ऐसे मतलब 72 लाइक प्लस 8 होता जा रहा था, तो उसमें रॉन्ग बताना था एक। एंड बाकी दो शायद मैंने स्किप कर दिए थे इसलिए मुझे याद नहीं उसका पैटर्न। एंड बाकी मिसलेनियस में मैंने जो अटेम्प्ट किया मैं आपको वो बता देती हूँ। मिसलेनियस में मैंने एक अटेम्प्ट किया था पार्टनरशिप का क्वेश्चन, तो उसका आंसर मेरा 19,000 आया था। मिक्सचर एलिगेशन मैंने अटेम्प्ट किया था, उसका आंसर मेरा 32 आया था। डिजिट रिलेटेड जो क्वेश्चन था, मतलब उसमें नंबर जो है इंटरचेंज करना था, देन 54 वो मोर हो रहा था ऐसा कुछ था, उसका आंसर था 14। बोट एंड स्टेम का CND आ रहा था, और टाइम एंड वर्क का मेरा आया था 19.2। और एज वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया पर मुझसे हुआ नहीं उस टाइम पे, और P&L भी था बट वो भी मैंने नहीं किया था, तो मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं इसमें। और इसके अलावा अगर मेरा कुछ छूट गया हो या कुछ गलत हुआ हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, कि अगर मेरा इसमें कुछ गलत हो जाता है तो एटलीस्ट मुझे भी पता चल जाएगा। बाकी मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो देख लीजिए, मेरे अटैम्प्ट हैं 35 रीजनिंग में, इट वॉज़ माई अटैम्प्ट, एंड 26 जो है मैंने क्वांट में किए हैं, टोटल 61 है। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिख लिया था जस्ट जल्दी जल्दी, तो ये मेरा बना था जो बॉक्स है, हाँ ये बॉक्स वाला ही है, तो ये ECFSGTAB ये सीक्वेंस है, और जो पैरेलल वाले लोग बैठे हैं वो ऐसे बैठे हैं, QUSVTR, नीचे बैठे हैं CFDBEA। तो अगर आपका भी सेम है तो कॉन्ग्रैट्स, एटलीस्ट ये 10 नंबर तुम्हारे सही हैं एकदम। राइट एंड वर्ड मैंने आपको बता दिया, 16 वही अनसर्टेन वाले थे, तो ये पिक मैंने रेलवे स्टेशन पर बैठ के क्लिक किया बाय द वे। एंड उसके अलावा आपने कितने अटेम्प्ट किया प्लीज़ आप शेयर करिएगा, और हो सकता है मेरे थोड़े ज़्यादा हो सकते थे क्योंकि जो मेरा सेंटर था वहाँ पर ना लाइट बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, तो इट वाज मतलब बहुत डार्क हो रहा था। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक लड़की थी, वो काफ़ी तेज़ तेज़ हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रही थी, तो थोड़ा सा मेरे को इनकन्वीनियंस सा फील हुआ, बट ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है तो इट्स ओके, आगे देखते हैं आगे क्या करना है, फ़िलहाल का तो हो गया क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो भी मुझे बताइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है, कोई डेटा आपको समझ में आ रहा है कि आपका भी आंसर सेम था, तो आप वो भी कमेंट डाउन कर लीजिए। और बाकी पॉजिटिव रहो यार, जो हो गया, अच्छा गया अच्छा गया, ठीक है, नहीं गया वो भी ठीक है, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं तो हमें आगे देखना है, पीछे तो क्या ही करेंगे, पीछे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बाकी ऑल द बेस्ट, एंड आप लोग बताइएगा कि इसमें अगर कुछ छूट गया है तो वो भी बता दीजिए, और मेरा कुछ गलत हुआ है तो वो भी आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा। और अगर सही है क्वेश्चन, आपको याद आ रहा है कि हाँ आपका भी यही आंसर रहा, तो वो भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा, तो वो रीचेक हो जाएगा हमारा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।